नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। 1857 के महानायक रहे अमर शहीद राजा शंकर शाह व रघुनाथ शाह के कारागार और बलिदान स्थल के लिए किए जा रहे नवनिर्माण का आदिवासी समाज के पदाधिकारियों ने निरीक्षण किया। मालगोदाम के वन विभाग कार्यालय में बने अमर शहीद राजा शंकर शाह व रघुनाथ शाह के ऐतिहासिक धरोहर को सहेजने के लिए किए जा रहे कार्य को देखने गोडवाना पार्टी के नेता और कार्यकर्ता सहित कई पदाधिकारियों ने पहुंचकर निरीक्षण किया। कुछ पापी ये तोड़ रहा है कब भारत के इतिहास में ऐसी शहादत नहीं हुई जैसी शहादत मध्य भारत में गोंडवाना के वीर सपूत राजा शंकर शाह रघुनाथ शाह जी ने 1857 को जो क्रांति थी पूरे देश में उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर अपने प्राणों की आहुति दी। विगत 1980 से लेकर अब तक आदिवासी समुदाय में गोंडवाना समाज के कई संगठनों ने इनकी शहादत को शासन और प्रशासन को बताया। 2021 में केंद्र सरकार ने ये माना कि ये भवन और ये बलिदान स्थल और बलिदानियों की गाथा संजोना चाहिए, वो संजोया भी। केंद्र सरकार ने हमारी बात मानी भी, हमने मॉडल भी पेश किया, लेकिन शंकर शाह रघुनाथ शाह की शहादत स्थल और उनकी जो बंदी गृह हैं उनको मॉडलाइज करके जो पुरातत्व को देना चाहिए था वो नहीं दे रहे हैं, वो नवीनीकरण कर रहे हैं। जेल को तब्दील कर दी गई है और किसी भी आदिवासी संस्था को पूछ नहीं रहे हैं। इंटेक कंपनी पता नहीं कहाँ से हायर होके आ गई, इस काम को कर रही है। इससे आदिवासी सारी संस्थाएं दुखी हैं। हम आगामी तिथियों में जिला कलेक्टर से बात करेंगे। प्रदेश के नवनिर्वाचित हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं उनसे बात करेंगे, केंद्र से बात करेंगे, क्योंकि एक समुदाय के ये सम्मान की बात नहीं है। इसमें झारिया समाज भी है, चौधरी समाज भी हैं और कई समाज इस पर जो है आती हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं और राजा के बलिदान को हर समय याद करती हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने भी आए थे जब घोषणा की थी, पूर्व मुख्यमंत्री जी से हमने आग्रह किया, उन्हें हमारी बात मानी और काफ़ी काम उन्होंने यहाँ दिया है, पैसे भी दिए हैं। बात यह है कि इंटेक कंपनी किसी चीज़ को स्वीकार ही नहीं करना चाहती। यहाँ तक कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जो प्रदेश के थे, मध्य प्रदेश के, उनने इस कार्यक्रम को शासकीय भी बनाया है, उनने यहाँ के लिए काफ़ी पैसा भी दिया। इसका कोई लेखा जोखा न ट्राइबल विभाग बताता है और न जिला कलेक्टर बताता है। हम आगे तिथियों में जिला कलेक्टर से बात करेंगे। मैं किशोरीलाल भलावी, गढ़ा गुणवाना संरक्षक संघ जबलपुर संभाग। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।